Hello friends, welcome in RCI Education Hub online class. Dear students, we discuss about the calculation of energy, radius, velocity of an atom on the basis of Bohr theory. In previous class, we discussed about the Bohr theory. Dear students, first is energy of electron for nth orbit. स्टूडेंट्स पिछली क्लास में अपन ने बोर थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी लेवल और ऑर्बिट के बारे में एक्सप्लेन किया था. आज अपन इलेक्ट्रॉन आपका पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है तो वहां पर उसकी एनर्जी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी और उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, इसकी कैलकुलेशन आपको एज ए फॉर्मूला गिवन होगा. उसके लिए अपन को उस गिवन पर्टिकुलर ऑर्बिट का नंबर पता होना चाहिए, किस ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरा कि आपका हाइड्रोजन एटम है या हाइड्रोजन लाइक एटम है तो वहां पर एटॉमिक नंबर दैट मींस न्यूक्लियर चार्ज की भी रिक्वायरमेंट होगी. यहां पर कैलकुलेशन इन फॉर्मुलेस की काफी लेंथी होती है, उनसे अपन को कोई रिलेशन नहीं है. यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आपको रिमाइंड करना है. उस फॉर्मूले को यूज करते हुए अपन यहाँ पे जो भी न्यूमेरिकल आपके होंगे वो सोल्व करेंगे. इस कंडीशन में अपन पहले बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एंथ ऑर्बिट. एनर्जी को अपन यहाँ पर एंथ ऑर्बिट मीन जो फर्स्ट ऑर्बिट में हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में हो सकता है, थर्ड ऑर्बिट में हो सकता है, इसलिए अपन ने टोटली क्या कर लिया, एंथ ऑर्बिट की बात कर लिया. क्लियर बेटा? तो यहां पर अपन जो बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, En, एनर्जी ऑफ एंथ ऑर्बिट. यहां पर जो साइन है वो माइनस यूज करेंगे एनर्जी के लिए. साइन जो है वो क्या यूज करेंगे बेटा, माइनस यूज करेंगे. तो इस कंडीशन में आपके पास में जो साइन यूज आएगा वो साइन माइनस का, दैट मीन्स यहां पर एनर्जी क्या है, दैट मीन्स रिलीज की फॉर्म में यहां पर अपन यूज करेंगे. जो En एंथ ऑर्बिट के एनर्जी फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, 2.18 इंटू 10^-18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम. राइट, हाइड्रोजन एटम के एंथ ऑर्बिट की जो एनर्जी वो कितनी है, 2.18 इंटू 10^-18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम. वेर एज इसको अपन बॉक्स में क्लोज कर देते हैं. वेर एज जेड इज क्या है, न्यूक्लियर चार्ज. जेड क्या है आपका, न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर. बात क्लियर है बेटा? राइट, और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ ऑर्बिट. इसकी बात करेंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट. अब यहां पर आपको कई बार वो जूल में ना करवा के इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करवा देता है, उसमें करवा देता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 × 10^-19 जूल होता है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है, 1.6 × 10^-19 जूल. तो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या अपने होगी अपने पास में, तो यहां पर देखो जूल की जगह क्या लाना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना हुआ, 1.6 × 10^-19 जूल. तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जूल की जगह क्या रख दूंगा मैं, 1/1.6 × 10^-19 जूल. मतलब इसको मैं करूंगा इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो अपने पास में पूरी वैल्यू किसमें आपके जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अपने पास आएगा यहां पर वैल्यू 13.6 × Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. क्लियर, गिवन एटम की एंथ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी एनर्जी होगी, -13.6 × Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर. क्लियर, कई बार आपको एक किलो जूल पर मोल में भी पूछ लेता है, किसमें बेटा, किलो जूल पर मोल. तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, तो यहाँ पे और लगाते जाओ और थर्ड फॉर्मूला अपने पास में यहाँ पे आएगा, En इज इक्वल टू माइनस
जो वैल्यू आपकी आएगी किसमें, किलो जूल पर मोल, जूल तो अपने पास है सही, एटम को किसमें चेंज कर देंगे अपन को मोल में, अपन को पता है 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं, आपको 1 मोल में होते हैं 6.022 × 10²³ एटम प्रेजेंट होते हैं। 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं 6.022 × 10²³ एटम। तो यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी आपकी 13.12 × 8 Z² / N² किलो जूल पर मोल, कितनी आएगी 13.12 × 8 Z² / N² किलो जूल पर मोल। दीज आर द एनर्जी ऑफ nth orbital, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth orbital, क्लियर बेटा। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले ध्यान रखने हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपको वो इंडिकेट भी कर सकता है कि फाइंड आउट द एनर्जी इन जूल, फाइंड आउट द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर, तो वहां पे आपको ये चीजें चेंज करनी है। दैट इज क्लियर, दीज आर द फॉर्मूलेज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर nth orbital, क्लियर। अब सेकंड बात करते हैं अपन इसकी बोर रेडियस की, इसकी बात करते हैं बोर रेडियस। तो सेकंड यहां पे आ गया अपने पास में क्या, बोर रेडियस फॉर nth ऑर्बिटल। सेकंड चीज देखिए बेटा, इसकी बात करेंगे अपन रेडियस की, आपके सामने देखो ये अपने पास में क्या था, ये था अपने पास में बोर एटॉमिक बोर, जहां पर ये इस तरह से प्रेजेंट है के एल एम, याद आ गया होगा 1, 2, 3, 4, क्लियर। ठीक है, तो यहां पर अपन ने इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है उसकी क्या कैलकुलेट कर ली, एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है इसकी रेडियस क्या होगी, यहां प्रेजेंट है इसकी रेडियस क्या होगी, यहां प्रेजेंट है तो इसकी रेडियस क्या होगी। सेकेंड इक्वेशन है अपने पास में बोर रेडियस, क्या होगा बोर रेडियस, क्लियर। यहां पर जो रेडियस को अपन किससे लिखते हैं, आर से, आर को रेडियस, एम फॉर nth ऑर्बिट, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है, क्लियर। तो कितनी आएगी 5.2 × n² / z पिकोमीटर, क्योंकि रेडियस आपकी मीटर में, सेंटीमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, अपन लेंथ होती है, क्या होती है बेटा ये लेंथ होती है। तो आर एन स्क्वायर टू क्या हो गया 5.2 × n² / z³। अब इसको अपन चेंज कर सकते हैं, आर एन स्क्वायर टू कितना हो गया 0.0529 × n² / z नैनोमीटर। क्यों आया इसको भी समझ लीजिए आप, ये और लगा दिया 1 पिकोमीटर स्क्वायर टू कितना होता है आप जानते हो 10^12 nm, यू नो डेट 1 pm = 10^-12 m, then we can write 10^-9 × 10^-3 m, and 10^-9 m = 1 pm = 10^-3 nm, because 10^-9 nm मीटर इक्वल टू 1 nm, वी नो डेट 1 pm = 10^-12 m, 1 pm = क्या राइट कर सकते हैं 10^-9 × 10^-3 m, देन वी नो डेट 1 nm = 10^-9 m, सो वी कैन राइट 1 pm = 10^-3 nm, आ जाएगा 1, 2, 3 आपकी ये आपकी लेफ्ट साइड पे आपका डेसिमल। तो ये फॉर्मूला किसका है आपका बोर रेडियस, क्लियर। आगे चलते हैं अपन वेलोसिटी की बात करते हैं अपन, वेलोसिटी कि आपका पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, पर्टिकुलर ऑर्बिट में आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वेलोसिटी से क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है। तीसरा है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसके लिए जो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे v
वी एन ई फॉर वेलोसिटी एन फॉर एंथ ऑर्बिटल, तो फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास में 2.19 × 10⁶ 2.9 × 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। यू नो डेट यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। देन वी गॉट वी एन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंथ ऑर्बिट 2.9 × 10⁶ जेड अपॉन एन। दीज आर द फॉर्मुलेज ऑफ एनर्जी रेडियस एंड वेलोसिटी। क्लियर? नाउ वी सॉल्व ए न्यूमेरिकल रिगार्डिंग एनर्जी, दैट इज कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Hg+। राइट, यहां पर अपन को H लाइक एटम, दैट मीन्स हाइड्रोजन लाइक एटम गिवन है, हाइड्रोजन लाइक एटम गिवन है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करना है। इसके लिए जो सॉल्यूशन अपने पास लेंगे उसमें वैल्यू क्या आएगी, गिवन फर्स्ट ऑर्बिट को मींस n इज इक्वल टू क्या है 1, फॉर Hg+ के लिए z क्या होगा अपने पास में 2, z क्या होगा बेटा 2, हाइड्रोजन देन हीलियम, तो एटॉमिक नंबर तो वही लेंगे अपन। तो यहां पर जो एनर्जी का फॉर्मूला होते हैं मिलेंगे En इज इक्वल टू −13.12 × Z² / N² किलो जूल पर मोल। राइट, वैल्यू पुट अप ऑफ Z एंड N, देन 13.12 × Z² / N² माइनस, देन वी गोट −13.12 × 4 किलो जूल पर मोल। देन फाइनली आंसर इज मल्टीप्लाई कर लो 2, 1 5, 5, 2 राइट किलो जूल। इट इज क्लियर 5 to 1.1 किलो जूल पर मोल, दैट इज द एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Hg+ ion, एनर्जी फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ Hg+ ion। दीज आर द फॉर्मुलेज ऑफ एनर्जी रेडियस वेलोसिटी ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी एंड सॉल्व एंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एनर्जी। क्लियर बेटा? आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।